इस साधारण सा प्रयोग से वैक्यूम से खिंचाव कैसे बनेला वो समझ जा। एक खातिर आपको 3 गो 1/2 लीटर वाला बॉटल, सब कुछ, पाइप लगी, माचिस तो खोखा, कैंची और मोमबत्ती लगी। अब एगो प्लास्टिक बोतल में ढक्कन में और ओकरे नीचे के बाजू वाले हिस्सा में छेदा कर लें, और 2 गो प्लास्टिक बोतल में और दूसर का प्लास्टिक बोतल में नीचे एगो छेदा कर लें। तीसर का प्लास्टिक बोतल में आप लोग पहले के जैसे साइड में नीचे एगो छेदा कर सकेंगे, आप लोग देख सकेंगे जाए कैसा दिखेगा। अब 2 गो प्लास्टिक बोतल जब में नीचे में बाजू में हम लोग छेदा कर ले रहनी जा, ओके पतील पाइप से जोड़ लें, आप लोग देख सकें जा ये हम लोग किस तरह करते हैं जा। ऐसा कैले के बाद दूसर का पाइप लेके अपन ढक्कन वाला छेदा में डाल लें और ओकर दूसर छोर तीसर का बोतल के उल्टा करके ओकरे नीचे वाले छेदा में डाल लें, आप लोग देख सकें जा किस तरह। ध्यान दें कि ये प्रयोग में लीकेज ना होके, ये लिए हम लोग पाइप के हर कोना पे जहाँ बोतल में डाल दें जा ओके गोंद से सील कर दें जा, आप लोग देख सकते हैं जा किस तरह। गोद लगाने के बाद ओके तनी देर रख दें ताकि वो अच्छा से सूख जाए। ऐसा कैले पर अपन उपकरण प्रयोग खातिर तैयार हो। ऐसा कैले पे कोनो रंग बिरंगा पानी लेके बायां वाला बोतल में डाल लें, आप लोग देख सकें जा कि ये पाइप के द्वारा दूसर का बोतल में भी भरल चालू हो जाएगा। तनी देर रखने पे आप लोग देख सकें जा कि दोनों का लेवल एकदम बराबर हो जाएगा। तनी देर वेट कैले पे आप लोग देख सकें जा ये पानी का सतह दोनों में बराबर हो जाएगा। अब आप लोग एगो मोमबत्ती जला लें। मोमबत्ती जलेले के बाद अपन तीसर का बोतल लेके वो मोमबत्ती के ऊपर रख के ओके ढक दें, आप लोग देख सकें जा कि ये जलत भल मोमबत्ती पूरा ऑक्सीजन ले लेवेला और अपन बीच वाला बोतल में पानी का सतह ऊपर हो जाएगा। कहे कि वो ओ में से ऑक्सीजन ले लेवेला और वैक्यूम क्रिएट कर दे लेवे तनी सा, आप लोग देख सकें जा किस तरह। और जैसे ही आप लोग बोतल वापस उठा दें जा आप लोग देख सकें जा कि बाया साइड का दोनों बोतल में पानी का लेवल एकदम बराबर हो जाएगा फिर से।